Students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start with the new topic, that is DNA replication. Before DNA replication, we had covered up the structure of the DNA, the needs for the genetic materials, the structure of DNA, search of genetic material, and properties of genetic material. Then we have completed the topic, that is central dogma. So students, this is the thing, and we are going to talk about the DNA replication in this topic, in this class. Students, sabse pehle let us deal about the thing that what DNA replication is basically. Basically, jo DNA replication hai wo hoti kya hai? What is DNA replication? DNA replication means DNA means deoxyribonucleic acid. ये तो आपको सबको full form पता है. Deoxyribonucleic acid. Replication means it's copying. Why is DNA replication important? DNA replication is important because अगर DNA replication नहीं होगी तो जो न्यू सेल बनेगा, न्यू सेल के अंदर डीएनए कैसे होगा? जितने हमारे अंदर सेल्स हैं, हमारे अंदर डीएनए भी उतना है. अगर इन केस हमारा कोई ओल्ड सेल से न्यू सेल जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसे फॉर्म होगा? विद द हेल्प ऑफ डीएनए कॉपिंग. क्योंकि हर सेल को डीएनए चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए. अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल भी क्या होगा? लिविंग नहीं होगा. सो दिस इज अ बेसिक थिंग दैट व्हाई डू वी नीड रेप्लिकेशन. Why do we need to replicate our cell? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डील करो. Why do we need to replicate the DNA? ठीक है. Why do we need to replicate the DNA? So let us now go to the next slide and see what is the meaning of DNA replication. तो स्टूडेंट्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, बेसिकली रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए. डीएनए की कॉपी करना, डीएनए को कॉपी करना, डीएनए की कॉपी बनाना, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन. एंड DNA की कॉपी होती कहां से है? पेरेंटल DNA makes up the new DNA, and this process is known as the DNA replication. Watson and Crick proposed the semi-conservative model of replication. Semi-conservative model of replication क्या बताता है students? Semi-conservative model of replication बताता है, it suggests that the parental DNA strands act as a template for synthesis of new complementary strands. जो parental DNA है, basically जो parental strand है, वो क्या करता है? एक template की तरह act करता है ताकि जो new strand की formation है वो हो सके. For the synthesis of new complementary strands. After replication, each DNA molecule would have one parental and one new strand. Replication ke baad, after replication, each DNA molecule would have one parental and one new strand. And this thing is known as DNA replication. DNA replication ke process mein basically students ho kya raha hai? That jo hamara parental DNA hai, that is acting as a template. वो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है. वो क्या कर रहा है? एक न्यू डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो न्यू डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करने के बाद जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हो रहा है, वो नेचुरली एंड नॉर्मली हो रहा है. उसके बाद क्या होता है हमारे पास? एक पेरेंटल डीएनए से एक न्यू डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है. तो जो हमारा न्यू डीएनए होता है उसमें क्या होता है? एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है एंड एक न्यू स्ट्रैंड. एंड इस चीज को क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए. क्योंकि 50% जो होता है ओल्ड डीएनए होता है, 50% जो है वो न्यू डीएनए होता है.
अब देखो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रपोज, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग दैट वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, हालांकि मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। रेप्लिकेशन के बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, वन पेरेंटल डीएनए एंड वन न्यू स्ट्रैंड। नेक्स्ट थिंग इज दैट वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को, एंड मिशेलसन एंड स्टेल ने, मींस मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसको प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं मिशेलसन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट, कि मिशेलसन एंड स्टेल ने किया क्या था बेसिकली टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ट्रू। तो आपको ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है कि मिशेलसन एंड स्टेल ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्या किया था, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म्ड बाय मिशेलसन एंड स्टेल। तो देखो सबसे पहले व्हाट डू दे डिड, दे प्रिपेयर्ड टू कल्चर मीडिया ऑफ इकोलाई, उन्होंने इकोलाई को लिया, इकोलाई के दो कल्चर मीडिया को प्रिपेयर किया। फर्स्ट प्रेपरेशन के अंदर क्या था, अमोनियम सॉल्ट ऑफ द हैवी नाइट्रोजन, ठीक है ये आपको याद रखना है, ये जो N15 रेड वाला पार्ट है दैट इज द हैवी अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट एंड इसमें हैवी नाइट्रोजन है, सो इसका जो डीएनए होगा स्टूडेंट्स डीएनए भी क्या होगा, हैवी होगा। So N15 was incorporated in both strands of the bacterial DNA and the DNA became heavier. दूसरे जो preparation थी उन्होंने क्या किया था, उसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट डाला था और जो नाइट्रोजन इसमें यूज किया था ऑरेंज वाले में दैट वॉज नॉर्मल, उसमें कोई भी हैवियर हैवी स्ट्रैंड नहीं थे, द डीएनए वॉज नॉर्मल एंड द डीएनए वॉज लाइटर। So these two types of DNA can be separated by centrifugation in a cesium chloride density gradient. तो जब हम cesium chloride को density gradient लेते हैं तो इसकी help से we can separate the two DNA strands. Students, so next thing is that उन्होंने क्या किया, ये जो रेड वाला था, रेड वाला कल्चर मीडियम जिसमें हैवी डीएनए था, उन्होंने उठा के रेड वाले कल्चर मीडियम को ऑरेंज वाले कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया। दे टुक इकोलाई सेल फ्रॉम N15 मीडियम एंड ट्रांसफर्ड इट टू N14 मीडियम, ठीक है इन्होंने हैवी वाला डीएनए क्या किया, लाइट वाले डीएनए के अंदर मिक्स कर दिया। After 20 minutes means एक generation के बाद उन्होंने isolate किया और centrifuge करके देखा, तो उनको पता चला कि intermediate hybrid between 15 DNA and 14 DNA, कि बहुत से जो DNA थे they were the hybrid of N15 and N14, तो उनको क्या पता चला कि N15 वाले ने क्या किया है, N15 वाले ने रेप्लीकेट किया है, बट जब उसने रेप्लीकेट किया तो उसने अपनी नेचर को क्या किया, कंजर्व रखा है। दिस शोज दैट द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। वन स्ट्रैंड इज ओल्ड मतलब 15 टाइप है, 15N हैवी है उसमें, एंड जो वन स्ट्रैंड है न्यू वो क्या है, 14N है। This confirms the semi-conservative replication. तो इससे हमें पता चल गया कि जब भी डीएनए की रेप्लीकेशन होती है तो उसकी नेचर क्या रहती है, कंजर्व रहती है स्टूडेंट्स, कि एक स्ट्रैंड है दैट इज द ओल्ड स्ट्रैंड एंड जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है यहाँ पे दैट इज द न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन द नेक्स्ट लाइन, आफ्टर द सेकेंड जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के बाद क्या हुआ, there was equal amount of the hybrid DNA and the light DNA. Second generation के बाद मतलब 40 minutes के बाद equal amounts of
हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, मतलब हाइब्रिड डीएनए का जो अमाउंट था फर्दर वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. सो दिस वॉज द बेसिक थिंग एंड दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट. सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या बताता है कि डीएनए जो है हमारा वो कंजर्व रहता है, पर वो 50% कंजर्व रहता है. मतलब वन स्ट्रैंड इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड इज द न्यू स्ट्रैंड. And thus this model is known as the semi-conservative model of DNA replication. Now, Michelson and Stahl ने experiment किया था E. coli के ऊपर students. Taylor and colleagues ने क्या किया, रेडियोएक्टिव थायमिडीन लिया एंड उन्होंने किसके ऊपर, विसिया फेबा मींस फेबा बीन्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्पीशीज, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. टेलर एंड कोलीग्स दे यूज्ड रेडियोएक्टिव थायमिन इंस्टेड ऑफ द नाइट्रोजन दैट वाज यूज्ड इन द इकोला एक्सपेरिमेंट बाय मिशेलसन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स. तो उन्होंने क्या किया, DNA in the chromosomes also replicates semi-conservatively. Basically, Taylor ने क्या प्रूव किया, Michelson ने क्या प्रूव किया, semi-conservative nature of the DNA. उसने DNA के semi-conservative nature को प्रूव किया, पर Taylor ने क्या किया, Taylor ने प्रूव किया chromosomes के अंदर जो DNA presence है that is also replicating semi-conservatively. जो डीएनए बेसिकली हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर है, क्रोमोसोम्स हमें पता है कि क्रोमोसोम्स अक्कर इन पेयर्स, ईच क्रोमोसोम्स हैज टू आर्म्स. तो एक आर्म क्या है उसकी पुरानी रहती है, ओल्ड वन, एंड द नेक्स्ट आर्म इज द न्यू वन. तो ये एक्सपेरिमेंट टेलर एंड कोलीग्स ने प्रूव किया था इन द विसिया फेबा एंड यूजिंग द रेडियो एक्टिव थायमिडीन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट of DNA replication, Michelson and Stahl's experiment. So students, अब हम next class के अंदर DNA replication की machinery and enzymes के बारे में पढ़ने वाले हैं. But before dealing with the DNA machinery and enzymes, you have to know that there is semi-conservative nature of the DNA. DNA की जो machinery, replication की basically जो machinery and enzymes हैं, वो कुछ भी ज़्यादा we can say ज़्यादा complicated नहीं है. It is very easy. But जो main ये experiments हैं, जैसे कि Watson and Crick ने क्या किया था, Watson and Crick ने propose किया. Michelson and Franklin ने क्या किया, prove किया. एंड देन फर्दर टेलर एंड उसके कलीग्स ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रूव किया इन द विसिया फेबा बीन्स. बीन्स के अंदर उन्होंने प्रूव किया दैट यस दिस एक्सपेरिमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन की जो भी इंट्रोडक्शन थी वो यहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे खत्म होती है. अब इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डील अप विद द मशीनरी एंड द एंजाइम्स. मशीनरी क्या होगी स्टूडेंट्स, मशीनरी तो हम क्या कर रहे हैं, हम डीएनए को रेप्लीकेट कर रहे हैं. डीएनए को रेप्लीकेट मतलब डीएनए को कॉपी कर रहे हैं. डीएनए को जब हम कॉपी करेंगे तो आगे किसी ना किसी फॉर्म में तो यूज अप होगा, तो उसकी जो सारी मशीनरी है वो डीएनए इटसेल्फ, वो रहेगी डीएनए इटसेल्फ. एंड उसके जो सारे एंजाइम्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट नेम्स एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे आर आल्सो परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक रोल्स, जिसके बिना डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो बेसिकली पॉसिबल नहीं हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. In the next class, we are going to start with the DNA replication. DNA replication, transcription and translation. ये सभी बहुत ज़्यादा important है students. You have to remember this. आपको 5 marks में question आए, आपको 3 marks में आए. आपको करना क्या है? सिर्फ एक page के अंदर इसका answer देना है. Briefly answer देना है and अच्छे से समझ के answer देना है.